हेलो जी नमस्कार। हमारी चैनल डीपीज़ किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। कोकोनट राइस हमने फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और फ्राइड कैशनट से गार्निश करके सर्व किया है। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली राइस डिश, जिसे कहते हैं कोकोनट राइस। तमिल में कहते हैं थेंगे सादम, तेलुगु में कहते हैं कोबरी अन्नम और इसे नारियल के चावल भी कहते हैं। इसके लिए हमने एक कप बासमती राइस को आधा घंटा भिगो के रखा था। उसी के साथ में एक कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट लिया है और एक कप नारियल का दूध लिया है, जो हमने रेडीमेड लिया है, स्टोर बोट है, आप घर में भी बना सकते हैं। इसी के साथ में एक कप पानी मिला के हम चावल पकाएंगे। उसके तड़के के लिए एक छोटी चम्मच राई, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच चना दाल, एक छोटी चम्मच उड़द दाल, एक छोटी चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट, एक छोटी चम्मच करी लीव्स का चूरा, पाँव छोटी चम्मच हींग, दो बड़े चम्मच कटे हुए काजू के टुकड़े और तीन सूखी लाल मिर्च और एक छोटी चम्मच नमक लिया है। हमने एक पैन में एक बड़ा चम्मच प्योर घी और एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल को डाल के गर्म कर लिया है। अब हम इसमें राई और जीरा डाल के भून लेंगे। उसी के साथ में हम चना दाल और उड़द दाल को भी डाल के भून लेंगे। उसी में हम अदरक मिर्ची की पेस्ट भी डाल के भून लेंगे। उसमें हींग और करी लीव्स का चूरा डाल के मिक्स कर लेंगे। उसमें काजू के टुकड़े डालेंगे और उसे भी मिक्स करके थोड़ा भून लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि काजू जल सकते हैं, हमारा मसाला जल सकता है, हमारी दालें जल सकती है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सूखी लाल मिर्चें डालेंगे और उसे भी भून लेंगे। दालों को और काजू को जलाना नहीं है, थोड़ा सा कलर आ जाए तब तक हम भूनेंगे। ऑलरेडी दालों में थोड़ा कलर आ चुका है, काजू में आ जाएगा, तो लाल मिर्च थोड़ी भुन जाएगी। काजू थोड़े गुलाबी हो गए हैं, अब हम उसमें ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, कोकोनट बहुत जल्दी जल जाते हैं, उसे हम थोड़ा सा कलर देना है, उसे ज्यादा भुनना नहीं है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम हमारे चावल डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इस पर हम थोड़ा पानी छिटकेंगे। मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पकने देंगे। स्लो फ्लेम पे ही रखना है, 1.5 से 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। वैसे हमारे चावल रेडी है। कोकोनट राइस की रेसिपी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके मेजरमेंट, उसके प्रोसीजर डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी से विनती है, आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। चेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट डाल के मिला लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और ढक के 2 मिनट तक रखेंगे और बाद में सर्व कर देंगे। कोकोनट राइस हमने फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और फ्राइड कैशनट से गार्निश करके सर्व किया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।